अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। आप लोगों के साथ एक बड़ी अपडेट शेयर करनी है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो परेशान हो रहे हैं। 2023 में आप लोगों को पता है फ्रेश कैंडिडेट है, तो वो तमाम स्टूडेंट जो है वो सिलेबस को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के बारे में बात करनी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें, हमारी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं 4 तारीख तक, यानी कि 4 जून तक। तो एनुअल 2023 या फिर अगर आपकी सप्ली है तो आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, पेपर अटैम्प्ट करने की ट्रिक्स बताई जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सेशन, पास्ट पेपर्स, सारा कुछ आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होंगी, रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के टेस्ट होंगे, डेली होमवर्क आप लोगों को मिलेगा। 5 जून से हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 5 जून से हम क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे ADP इंग्लिश की एनुअल 2023 की। बेसिकली हमने ये स्टार्ट करनी थी 2 जून को, लेकिन आप लोगों को पता है कि 2 जून को आ रहा है फ्राइडे, तो फिर हमने सैटरडे संडे जो है वो, जिसकी वजह से 2 दिन स्किप करके, यानी कि सैटरडे संडे वैसे भी ऑफ होता है, तो हमने वो स्किप करके 5 जून कर दिया, ठीक है। तो आप लोग 5 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी बात करें हम पेपर्स के बारे में, तो ना पेपर पैटर्न के बारे में और पेपर सिलेबस के बारे में स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं वर्किंग करने लगा हूँ। बेसिकली मैंने वर्किंग स्टार्ट करनी थी 50K सब्सक्राइबर होने के बाद, जैसा कि आपको पता है, आप लोगों की वीडियो देखी होगी, लेकिन ना अब टाइम कम है, आगे स्टूडेंट का भी नुकसान हो रहा है। चलो 50K सब्सक्राइबर वो तो आप लोग सपोर्ट करके कर ही दोगे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक फैसला किया है कि आप लोगों को गेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, पेपर पैटर्न, हर तरह से आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ठीक है, मुकम्मल गाइड करूं, ताकि आप लोगों को 2023 के लिए ना किसी एकेडमी की ज़रूरत पड़े, ठीक है। अगर आप लोग एकेडमी लेना चाहते हो, क्लासेस लेना चाहते हो, तो आप लोग हमारे पास ले सकते हो, बाकी सब्जेक्ट की भी, जो भी अभी ADM में आप लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल गाइड किया जाएगा। और पेपर पैटर्न के बारे में अगर बात करूँ, तो ना इसकी ना मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करूँगा सक्सेसफुल ग्रेजुएट के ऊपर, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दूंगा 2023 के लिए। उसमें आपको ना मैं सारी बुक्स का अलग-अलग चीज़ें बताऊंगा, ताकि स्टूडेंट को जब वो देखने में भी आसानी हो और स्टूडेंट को समझ भी आ जाए। वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में ना एक सब्जेक्ट का बुक का बताऊंगा, सिलेबस का बताऊंगा, गेस्ट पेपर भी अलग-अलग से बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन ये है कि पेपर पैटर्न, सिलेबस और बुक, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो। लेकिन आपने क्या करना है, मेहनत मैंने करनी है, आप लोगों ने क्या करना है, बस थोड़ी सी मेहनत है, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, बस ये आप लोगों ने करना है, बाकी एफर्ट करना मेरा काम है। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं वो एफर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, ये आप लोगों को सारा मैं गाइड करूँगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश की क्लासेज ले सकती हो, इंशाल्लाह हाईएस्ट मार्क्स 67 आए हुए हैं, ठीक है, और BA BSc इंग्लिश में इतने मार्क्स लेना ऐसे है जैसे आप 100 में से 90+ लेते हो। तो बाकी आप लोगों को मुकम्मल गाइड किया जाएगा, पेपर पैटर्न इंशाल्लाह सारा कुछ ही आप लोगों के साथ सक्सेसफुल ग्रेजुएट पर शेयर हो जाएगा, क्योंकि बुक्स ज़्यादा है, तो मैं एक वीडियो में तो नहीं सारा कोई बता सकता, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि चैनल के ऊपर एक्टिव रहिएगा, आप लोगों के लिए वीडियोज़ आने लगी हैं, तो अब आप लोगों के साथ सारी वीडियोज़ डेली बेस पर यानी कि शेयर होंगी। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स का बताते जाइएगा, इस वीडियो के नीचे भी बता दीजिएगा, इंग्लिश की क्लासेज आप लोग ले सकते हैं, कंटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर न्यू वीडियोस में, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, फिर आपको मैं बता भी दूंगा, तो आप लोग चेक करते रहिएगा, गेस्ट पेपर, पेपर पैटर्न, सिलेबस, बुक, सारा कुछ। अल्लाह हाफिज़।